जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप लोगों को बता रहे हैं। 25 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्री का छिंदवाड़ा आगमन हुआ, जिसमें उन्होंने रेलवे के संबंध में क्या कहा ये आप लोगों को दिखाएंगे। व इसके साथ ही सिवनी से शीघ्र ट्रेनों का संचालन शुरू करने हेतु पहल की गई है। चलिए आप लोगों को बताते हैं पूरी खबर। लेकिन उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हो तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों 25 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी का छिंदवाड़ा आगमन हुआ, जिसमें उन्होंने जनसभा में उमड़े विशाल जनसैलाब को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने रेलवे के संबंध में क्या कहा, देखिए। छिंदवाड़ा से नागपुर और छिंदवाड़ा से मंडला ट्रेन की लाइन को भी दोहरीकरण करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी, ये कमलनाथ जी ने वादों के अलावे कुछ नहीं किया। दोस्तों यूं तो 25 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्री के छिंदवाड़ा आगमन पर छिंदवाड़ा सिवनी मंडला पैसेंजर ट्रेन के उद्घाटन को लेकर बहुत सी संभावनाएं बताई गईं। कहीं कहीं तो ट्रेन शुरू होने तक की खबर दे दी गई। वहीं आप लोगों में से बहुत से लोगों ने हमसे कहा ट्रेन 25 तारीख से शुरू हो रही है, वीडियो बनाकर जानकारी दीजिए। दोस्तों पिछले 15 दिनों से ये सब चल रहा था, लेकिन हमारी ओर से या हमारे चैनल की ओर से ये खबर नहीं दी गई, क्योंकि हम कुछ ऐसा जानते थे कि अभी किसी भी ट्रेन का उद्घाटन नहीं हो सकता। और रही बात ट्रेन शुरू होने की खबर कहां कहां से दी गई वो आप जानते हैं। खैर, यात्री रेलगाड़ी का संचालन शीघ्र प्रारंभ किए जाने एवं सिवनी स्टेशन में जारी गुणवत्ता विहीन कार्य की जांच हेतु सिवनी ब्रॉडगेज रेलवे संघर्ष समिति अध्यक्ष श्री ठाकुर जयप्रकाश सिंह जी की ओर से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर डिवीजन की DRM श्रीमती नमिता त्रिपाठी जी के द्वारा रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ब्रॉडगेज रेल संघर्ष समिति सिवनी से रेलगाड़ी संचालन एवं स्टेशन निर्माण हेतु निम्नलिखित मांग करती है। देखिए, पहली मांग, विगत दिवस रेलवे बोर्ड द्वारा सिवनी से एवं सिवनी से गुजरने वाली रेल गाड़ियों की समय सारणी जारी की गई थी तथा इनके अति शीघ्र संचालन की घोषणा भी अनिवार्य रूप से की गई थी। उपरोक्त घोषित रेल गाड़ियां अति शीघ्र प्रारंभ की जाएं। दूसरी मांग, छिंदवाड़ा से आमला के मध्य चलने वाली गाड़ियां सिवनी से प्रारंभ की जाएं, जिसमें मेमू लोकल ट्रेन सिवनी से चलाई जाए। सिवनी जिले के नागरिकों की मांग को ध्यान में रखते हुए लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस, कलकत्ता, हैदराबाद, रायपुर, सूरत तक जैसी लंबी दूरी की यात्री रेलगाड़ियां सिवनी से होते हुए चलाए जाएं। तीसरी मांग, सिवनी बरघाट कटंगी तक प्रस्तावित सर्वे ब्रॉडगेज रेलवे लाइन का कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाए, ताकि सिवनी से बालाघाट नागपुर जाने हेतु नया आवागमन का साधन मुहैया हो सकेगा। चौथी मांग, सिवनी रेलवे स्टेशन का निर्माण कार्य गुणवत्ता विहीन हो रहा है, अतः तकनीकी खामियों को दूर कर गुणवत्ता पूर्ण निर्माण कार्य कराया जाए। ब्रॉडगेज रेलवे संघर्ष समिति सिवनी यात्री गाड़ियों के सुचारू संचालन की मांग लंबे समय से करती आ रही है, जिसके ज्ञापन समय समय पर विभाग को दिए गए हैं। यात्री रेलगाड़ी के संचालन में विलंब होने से सिवनी जिले वासियों में भारी आक्रोश व्यक्त है। अतः रेल मंत्री जी से निवेदन है कि हमारी मांगों का शीघ्र निराकरण कर सिवनी से यात्री रेलगाड़ियों का संचालन प्रारंभ करने का कष्ट करें। दोस्तों इस प्रकार केंद्रीय रेल मंत्री जी ने अपने दौरे में रेल संबंधी बातें कही। वह सिवनी ब्रॉडगेज रेलवे संघर्ष समिति के द्वारा शीघ्र ट्रेनों के संचालन को लेकर पहल की गई। दोस्तों चलिए फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किस नए वीडियो में किस नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर से कीजिएगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और इसके साथ ही हमारे YouTube चैनल को पहली बार देख रहे हो तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।